से आप भीड़ देख रहे हैं हर की पौड़ी पे ब्रह्मकुंड आरती शुरू होने वाला है, उससे पहले का ये माहौल आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो जनाब ये चाय का काउंटर था, यहाँ पे चाय चाय बिस्किट खाने के बाद हम लोग आप काउंटर था, यहाँ पे चाय बिस्किट खाने के बाद हम लोग आप कुछ और सुनने क्या चाय बिस्किट खाने के बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, और आपको दिखाने वाले हैं आज वृंदावन बोल रहा हूँ मैं, हरिद्वार से काफी बेहतरीन नज़ारा जो कि हर की पौड़ी का हिस्सा है। वो गंगा माँ का मंदिर भी है और गंगा आरती वहाँ पे की जाती है तो चलिए हम लोग लेके चल रहे हैं आपको हर की पौड़ी के पास। जाते वक्त लेंगे बाबू के लिए खिलौना लेना है तो जाते वक्त लेके जाएंगे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी, शाम का वक्त हो रहा है, हर की पौड़ी में आपका स्वागत है, और फिर आपको दिखाएंगे हर की पौड़ी की गंगा आरती जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। आप बनारस का एक झलक अगर देखे हों तो आज हरिद्वार से देखिए हर की पौड़ी गंगा आरती। तो चलिए इसी के साथ आपका इस ब्लॉग में भी स्वागत है और हर की पौड़ी में भी आपका स्वागत है। मौजूद हैं, ये जो एरिया है ये अपर रोड इसको बोलते हैं, अपर रोड हर की पौड़ी हरिद्वार, तो यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड्स भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अगर आप हर की पौड़ी की आरती की तरफ चल रहे हैं उससे पहले यहाँ पे जो है लोकल स्ट्रीट फूड से लेके और जितने भी गंगाजल लेने के लिए कैरी बैग्स या फिर जो कमंडल जिसको बोलते हैं वहाँ से लेके, और कपड़े हो या फिर बद्दी हो या बहुत सारी चीज़ें जो भक्तिभाव से जुड़ी हुई हैं, जिसका हिंदुत्व से जुड़ान है जिसका, और टी शर्ट्स तो खास करके बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, जिस महाकाल महाकाल महादेव सब कुछ लिखा हुआ। और फिलहाल सामने से देखिए नज़ारा यहाँ के इस बेहतरीन मार्केट का, हर की पौड़ी का बेहतरीन मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है ये मार्केट का एरिया और काफ़ी ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है लोगों से। और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं लगभग घाट की तरफ, और घाट के हम लोग बिल्कुल करीब है, तो यहाँ से जो अगला नज़ारा आपको देखने वाला होगा वो होगा हर की पौड़ी का घाट। तो बने रहिए और लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से भीड़ इतनी है कि मेरा सेल्फी स्टिक किसी काम का नहीं है, मुझे मोबाइल को डबल प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ पे अभी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अभी मैं जा रहा हूँ जूता रखने जूते स्टॉल में, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ जो होती है वो लगभग आपकी जो भीड़ यहाँ पे जो आपको अभी दिखाई देने वाली है गंगा आरती के समय वो लगभग जो होगी वो लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे जमा होते हैं, और ये काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए कि उस चीज़ में ये चीज़ को कंट्रोल करना, मोबाइल और पर्स का तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और जा रहा हूँ मैं जूते को रखने जूता स्टॉल पर, मैं रखने जा रहा हूँ ताकि जूता जो रहे वो काफ़ी सेफ रहे, और फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको एक एक चीज़ यहाँ से मैं दिखा सकूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक संभव जो चीज़ है यहाँ से दिखाऊँ। फिलहाल हम लोग स्वागतम श्री गंगा सभा हरिद्वार में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे जूता रखने के लिए हम लोग लगने जा रहे हैं भीड़ में। चलिए जूता स्टॉल का इतना ज़्यादा भीड़ का हिस्सा था जहाँ पे जूता रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर हम लोग बिहार से आए हैं और हम लोग ट्रेवलर हैं, तो उनकी इजाज़त से हमने जूता रख लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हिस्सा जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, और वो हिस्सा है अभी की गंगा आरती। आप एक नज़र देखिए और खचाखच भीड़ की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि ये जो भीड़ आपको दिख रही है और ये काफिला जो आपको दिख रहा है बैठा हुआ इतनी स्टेबिलिटी के साथ और इतनी शांति के साथ, यहाँ पे आपको प्रशासन का हिस्सा देखने को मिलेगा इसके बाहर, तो आप चौंक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कम से कम 50 से ज़्यादा फोर्स लगे होते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए।
और अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी आरती शुरू नहीं हुई है, आरती शुरू होने में लगभग अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त है। और आपको मैं दिखाऊं कि लगभग कम से कम यहाँ पे 3,000 से 4,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो काफिला 4,000 भी मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप काफिला देख रहे हैं लगभग आई थिंक मोर देन 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ये लंबा है, दोनों साइड से लोग बैठे हुए हैं। और अब मैं आइडिया लगाऊं तो लगभग मोर देन 10,000 लोग यहाँ पे अभी के टाइम में जमा होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ यहाँ से बने रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि गंगा के बहाव के साथ लोग में अभी स्नान करने का जो कल्चर है, अभी आरती शुरू होने से पहले लोग नहा रहे हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा भक्तिभाव यहाँ पे फैमिली से लेकर स्टूडेंट्स तक एक एक चीज़ यहाँ पे है मौजूद। बने इस ब्लॉग में आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से गंगा आरती और बहुत सारे वो हिस्सा जो हर की पौड़ी से हरिद्वार से आपको देखना चाहिए। अभी जो भीड़ है, जो यहाँ पे भीड़ जो है, मतलब कितने लोग लगभग यहाँ पे मौजूद होंगे, एक आइडिया ओवरऑल 10,000? यहाँ का जो है ना ऐसा है कि आदमी उस समय जो है 4 है, उस समय जो है 2,000 हो जाएंगे जी। यहाँ का कोई पता नहीं कब को इकट्ठे हो जाए आदमी, बहुत ज्यादा हो जाते हैं आदमी, बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। और इस सुबह में नहाने का वक्त कितने बजे से है? 4:30 बजे सुबह, 4:30 बजे से रात में आरती के बाद भी नहाते हैं लोग? आरती के बाद तो बहुत कम नहाते हैं। अच्छा, आरती आते हैं, आरती के बाद लगभग हो जाता है, गंगा जी का शयन हो जाता है। अच्छा, आरती के बाद गंगा जी का शयन हो जाता है, तो उसके बाद बहुत कम लोग नहाते हैं। और मोस्टली अभी जो यहाँ पे नहाने वाले लोगों की जो भीड़ है ये बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ आरती शुरू होने से पहले का ये माहौल, आप सामने देखिए कि भक्तों की जो कतार है उसको मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए सामने से भक्तों की कतार, इस आरती के बीच का माहौल, कपड़े लेके तो नहीं आए इसलिए हम लोग अभी नहा नहीं पा रहे हैं, लेकिन पानी सर पे जरूर डाल लिया है गंगा आरती से। गंगा की ये बहती धारा है, आप देख सकते हैं कि हजारों हजार में श्रद्धालु सामने नहा रहे हैं और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग माहौल होता है। आप देखिए कि एक तरीके से ये कतार जो है, ये हजारों हजार की कतार है और काफ़ी लंबी कतार है, आपको देखने को मिलेगी कि यह कतार हजारों हजारों लोग अभी यहाँ पे हैं मौजूद और नहाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। मैं उधर कैमरा नहीं फोकस कर पाऊंगा, माफ़ कीजिएगा, आप गंगा आरती की तरफ ध्यान दीजिए। और ये जो अनाउंसमेंट दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट है, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे अनाउंसमेंट है कि गंगा आरती में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप गंगा आरती में सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मौजूद हैं हजारों हजार लोग और हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं कि हम और आकाश भाई हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और गंगा आरती का मजा ले पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को घूमने आ गए, ये बहुत बड़ी, ये हम लोग यहाँ पे आने वाले नहीं थे, लेकिन हमारी बहन है, उन्होंने कहा कि तुम लोग अब दिल्ली आए हो तो जाओ हरिद्वार घूम के आओ। और फिर देखिए काफ़ी बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद उनका की आइडिया देने के लिए और बहुत ज़्यादा खुश हैं। पौड़ी पे ब्रह्मकुंड आरती शुरू होने वाला है, उससे पहले का ये माहौल आप देख सकते हैं। अगर आपको आरती करना है तो उसके लिए दूसरे गेट से एंट्री लेनी पड़ती है और कुछ उसका प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन चलिए फिर हम लोग लेके चल रहे हैं आपको आगे और दिखाते हैं हर की पौड़ी से, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से काफी कुछ बेहतर। उस बेहतरीन मेला का शुरुआत होने में बस मात्र आपको 2 से 4 मिनट में गंगा आरती शुरू होने वाली है। आप देख रहे हैं किस तरीके से दीप प्रज्वलन जो है वो यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर दी गई है और यहाँ पे भीड़ का जो हिस्सा है, यहाँ पे साउंड इतना हो रहा है कि मुझे माइक यहाँ पे लगा कर बोलना पड़ रहा है। गंगा आरती का वक्त शुरू हो चुका है और आरती में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये माहौल आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार में मैं हूँ मौजूद और हरिद्वार में कुछ इस तरीके से ये मेरे लिए भी काफी अद्वितीय नजारा है। इससे पहले मैंने भी इस आरती का मैं शामिल था, पहली बार मैं शामिल हुआ हूँ। आरती समाप्त हो चुकी है, फिर भी श्रद्धालु अपने
और निकल रहे हैं प्रसाद लेने की तरफ, प्रसाद देने की तरफ लोग निकल रहे हैं। आरती की वेला भी समाप्त हो चुकी है और फिर भी प्रसाद और जो चरणामृत है वो लेने की बारी है। लोग अभी भी हुजूम काफी ज्यादा भीड़ है वहाँ पे, लगभग बहुत सारे मतलब हजारों हजारों में लोग वहाँ पे खड़े हैं और वो प्रसाद और चरणामृत लेने की भीड़ में लगे हैं। और हम लोग इस कॉर्नर पे हैं जहाँ पे लोग अभी आरती समाप्त होने के बावजूद भी रुके हुए हैं, लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन ये प्रसाद और ये जो पूरा जो ये माहौल था यहाँ पे गंगा आरती का, ये काफी अद्वितीय रहा मेरे लिए। और अभी मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितना ज्यादा एक्साइटमेंट, कितनी भीड़ है यहाँ पर। लोग आरती से पहले नहा लेते हैं, नहाने के बाद भी कुछ लोग अगर नहीं नहा पाए तो अभी भी नहा रहे हैं, और आरती के बाद प्रसाद और चरणामृत आप जब भी आए तो जरूर लेके जाएं। और आरती का आरती होने के बाद जो आरती रखी जाती है मेनो मंदिर के पास रखी जाती है, उस कुंड के पास जाके आप आरती का जो ये है, आरती के जो तपिश है, जो धूप जो है, उसको अपने सर पे जरूर लगाएं और आशीर्वाद जरूर लें। आरती का वक्त समाप्त हो चुका है, लोग यहां से आरती करने के बाद लोग अभी धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और अगर आप अभी यहां पे आते हैं तो आप जरूर आरती के बाद जो है कि आप प्रसाद और चरणामृत जो है जरूर लेके जाएं, और गंगा आरती में जो धूप का जो होता है, ज्वाला जो उठती है, उस धूप को भी अपने सर पे जरूर लगाएं, ये यहां का कल्चर है। तो चलिए, गंगा आरती का जो इतना भी हिस्सा था यहां पे हरिद्वार से मैंने आपको दिखाया है, और लोग अपने घर की तरफ लोग जाने लगे हैं, अब लगभग लोग अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्रसाद लेके जरूर जाइएगा, चरणामृत लेना भूलिएगा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात कि जब गंगा आरती होती है तो आरती को एक जगह पे रख दिया जाता है, तो वहाँ से आप धूप को अपने सर पे जरूर लगाइएगा। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अपने साइड का जितना भी मेरे साइड का जो हिस्सा था आपको इस हरिद्वार से दर्शन कराने का वो मैंने करा दिया है। अब है आपकी बारी, आपको सिंपली सब्सक्राइब करके जाना है, इंस्टाग्राम फॉलो करना भूलिएगा नहीं। अगर कोई सवाल है आपका मुझसे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।